नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा भारती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 8 के जो प्रकरण है दूसरा ईदगाह, उसके बारे में हमें आज देखना है। शॉर्ट पहले स्टोरी हम लोग देखेंगे, उसके शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे और तुरंत ही हम लोग फिर स्वाध्याय और अभ्यास की ओर जाएंगे। मित्रों, कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए अभी हिंदी विषय में भी एक के बाद एक बहुत सारे जितने भी आपके सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग एक के बाद एक हम प्रकरण लेने वाले हैं और उसका स्वाध्याय और अभ्यास भी लेंगे। सब उसमें फुल सॉल्यूशन रहेगा और गुजराती का तो है ही, और पूरा का पूरा सब हम इस शिक्षा भारती का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका सब लिंक दिया हुआ रहेगा, जो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी और सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक करे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करे। मित्रों, ईदगाह का अर्थ होता है ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। क्या होता है ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह? मित्रों, यह जो प्रकरण है, यह इसका जो साहित्य प्रकार है वह है कहानी, प्रेमचंद की लिखी हुई बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वे उपन्यासकार थे। बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी है तो अभी हम सीधा उनके परिचय के ऊपर जाएंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ और निधन उनका सन 1936 में। उपन्यास सम्राट वो कहलाते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। मित्रों, आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया ये जो पाठ है उसका साहित्य प्रकार है कहानी, और वो भी प्रेमचंद की लिखी हुई है। कहानी का बाल नायक हामिद एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है हामिद। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता यहाँ प्रकट की गई लग रही है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग सद्भावना और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मित्रों, आपके सभी के पास तो किताबें तो होगी ही, अगर नहीं है तो आप नेट से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप उसका पूरा का पूरा जो पाठ है वो विस्तार पूर्वक आप खुद पढ़ सके। मित्रों, यहाँ पर पूरा पाठ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ आपको शॉर्ट जो स्टोरी है, कहानी जो है वो बता रही हूँ। महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आई है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में दिख रहा है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और सम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को नमाज में शरीक होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना है। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप है, जो पिता है हैजे के कारण उनकी मृत्यु हुई है,
और माँ भी कुछ समय के बाद उनका भी निधन हुआ है। तो अभी जो हामिद है वो सिर्फ अपनी बूढ़ी दादी के साथ हामिद यहाँ पर अकेला रहता है। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है, सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है, उसके पास जूते भी नहीं है। अमीना को डर है। अमीना कौन है? हामिद की दादी जी। उनको क्या डर है कि अकेला हामिद अगर जाएगा मेले में तो शायद अगर खो जाएगा तो नन्हा बच्चा है, उसका ख्याल कौन रखेगा। तो दादी को यह डर है, लेकिन यहाँ पर हामिद भी बहुत ही होशियार और निपुण बच्चा है। तो वो अपनी दादी को कहता है कि आप बिल्कुल डरना नहीं और मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊँगा सबसे पहले। तो हामिद जब जा रहा है अपने मित्रों के साथ और बहुत सारे दुकानें बीच में आती है, सबसे पहले नमाज अदा होती है और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे तो कुछ पैसा लेकर के जो निकले हैं, तो सब बच्चे लोग जब मेले में कुछ ना कुछ खरीद कर रहे हैं, कोई बच्चा हिंडोला देख रहा है, चरखा देख रहा है और यह सब देख मन बहलाने वाली सब चीज़ें बच्चे जो है वो देख रहे हैं। तो उन लोगों का मन जो है वो विचलित हो जाता है और वो अपने हिसाब से जो उनके पसंद में आए वो खिलौना लेते हैं। खिलौना लेने के बाद उनके पास और भी कुछ पैसे जो बचे हैं उससे वह मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी हामिद के साथ जो लड़का या लड़की जो भी कोई है, वो हामिद को कुछ पूछते नहीं है। तो हामिद सबसे अलग है, उसके पास कुल 3 पैसे है। कितने पैसे है मित्रों? सिर्फ 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे? ये खिलौने भी ऐसे कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा भी क्या? वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता, उसे चटोरा भी नहीं बनना है। तो यहाँ जो कहानी में कहा गया है कि बहुत ही समझदार है, कि बहुत विनम्र बुद्धि वाला है, बहुत विवेक बुद्धि वाला है, क्योंकि हामिद भले ही छोटा है वह सोचता है कि हमारे जीवन उपयोगी जो चीज़ है वो कौन सी है। मिट्टी का खिलौना लेगा तो वो अगर हाथ से छूट गया तो वो चूर-चूर हो जाएगा, और कोई खिलौना भी लेने के लिए उसका मन करेगा तो भी वो सोचता है कि वो मेरे पास ज़्यादा दिन तक तो वो रहेगा नहीं। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आता है। तो जब लोहे वाले की दुकानें सब शुरू होती है तब हामिद वहाँ पर रुक जाता है और अपने मित्र जो है वो सब आगे चले जाते हैं। तो दादी के पास तो चिमटा नहीं है और जब वो रोटियाँ पकाती है तब उनका हाथ हमेशा जल जाता है। तो यही सोच के हामिद क्या करता है, वो 3 पैसे का चिमटा खरीदता है। दुकान वाले को सबसे पहले वो पूछ रहा है कि यह कितने पैसे का है, तब वो 6 पैसा बोलते हैं, फिर उसको कम दाम करवाता है और दुकानदार 5 पैसा बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास तो है सिर्फ 3 पैसा। तो वो बोल रहा है कि क्या आप 3 पैसा लोगे, बस इतना बोल के वो आगे चला जाता है हामिद, क्योंकि उसे दुकानदार की डांट नहीं खानी है। दुकानदार उसको वापस बुलाता है और 3 पैसे ले करके उसको चिमटा दे देता है। तो अगर वह चिमटा लेता है तो दादी को काम में लग जाएगा और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। तो जब हामिद ने चिमटा खरीदा और अपने दोस्तों के साथ दौड़ते दौड़ते गया तो सभी दोस्त उसकी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने पहले ही भी कहा आपको कि हामिद बहुत ही होशियार और कुशल, निपुण, विवेकी लड़का है, उसे पता है कहाँ क्या बोलना है। तो हामिद के हाथ में चिमटा जैसे ही देखते हैं तो सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बड़ाई की कि सब दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे, चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना बिश्ती देने को
तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया और जब यह सब करते करते अपने दोस्तों के साथ हामिद अपने गांव पहुंचता है और सीधा जब अपनी दादी के पास जाता है तब हामिद सबके साथ घर लौट आया। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। कौन? दादी माँ। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया। यह दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा, यह छोटा बच्चा, उसने कुछ खाया नहीं, उसको भूख नहीं लगी होगी। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो तब हामिद अपनी कुशल बुद्धि से और अपनी प्यारी सी दादी को बहुत निर्दोष भाव से कहता है कि उसको लग रहा है कि शायद ये मैंने गलत काम किया है, इसलिए हामिद अपराध भाव से कह रहा है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लिया। तब जो दादी माँ है, जो गुस्सा है वह स्नेह में बदल जाता है, जो क्रोध है वह स्नेह में बदल जाता है। हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल आया, उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आँखों से आंसू बहने लगे। तो मित्रों, यहाँ तक हम लोग जो संक्षिप्त कहते हैं वो पाठ को मैंने आपको इसका सार बताया है। आप किताब से ही पूरा जो लेसन है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ जो शब्दार्थ है वह देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पर हार्डवर्ड दिया है जो हमको नहीं समझ में आएगा तो पाठ भी पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें किताब में दिया गया हुआ है वह शब्दार्थ सबसे पहले हम देख लेंगे, उसको याद करना है। और मित्रों, हमें परीक्षा में जो पूछे जाएंगे ऐसे शब्द भी देखने हैं, ठीक है। चलिए, ईदगाह का अर्थ होता है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी माने चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर का अर्थ होता है धन का देवता। अनगिनत मतलब बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। निगोड़ी अर्थात दुष्ट, अनाथ। मन, यहाँ पर मन ऐसा एक शब्द दिया गया है गुजराती में जिसको मण बोलते हैं। मण माने 20 किलो। बिसात माने औकात, मूल्य। सिजदा माने एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी मतलब है माला, क्रम। धावा मतलब है आक्रमण, हमला। कोष मतलब है खजाना। पृथक का अर्थ है अलग। सबीज का अर्थ है प्याऊ। जब्त का अर्थ है धीरज, धैर्य। भिस्ती का अर्थ है पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। और मशक का अर्थ है यहाँ पर चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली, जो हम गुजराती में जुमो भिस्ती जो एक पाठ है वहाँ उसमें भी देख लिया है हमने। मुहावरे है दिल कचोटना माने कुछ न पाने पर दुख होना, बीड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना भी होता है। गले मिलना का अर्थ है प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना का अर्थ है हताश या निराश होना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना, मर जाना। छाती पीट लेना का अर्थ है दुख प्रकट करना। मित्रों, यह जो मुहावरे दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे जो है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो हमें हमारे स्वाध्याय और अभ्यास में दिए गए हो उसे हमें मुखस्थ करना है। मित्रों, चलिए अभी हम लोग जाएंगे सीधा अभ्यास की ओर। यहाँ पर दिया गया हुआ है पहला प्रश्न, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। बहुत सुंदर प्रश्न है मित्रों, हमें हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब तैयार करना है और उसे बार बार मुखस्थ करना है लिख लिख कर, ठीक है। यही एक टिप्स है, जल्दी से याद रह जाएगा इससे। चलिए, तो यहाँ पर जवाब में यह आएगा, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारते समय उसकी उंगलियाँ जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियाँ
नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो मित्रों, इसका जवाब यह है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। मित्रों, अभी तीसरा प्रश्न आता है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो देखते हैं इसका जवाब। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। मित्रों, अभी हम देखेंगे चौथा प्रश्न। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उसमें यह आएगा मित्रों, हमें अपनी सूझबूझ से लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ उस तरह से भी आप लिख सकते हो। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं, हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। और मित्रों, अभी तो हम लोग जानते हैं कि कोरोना की बहुत बड़ी महामारी चल रही है, इसलिए ज़्यादातर सब लोग रुमाल से मास्क भी बना देते हैं, इसलिए यह भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा भी यह लिख सकते हैं कि धूल और पॉल्यूशन से बचने के लिए मुंह पर बांधा जाता है। अभी हम लोग जाएंगे कि दूसरा प्रश्न जो है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो मित्रों, इसका जवाब यह आएगा, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट हुई है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा हम इस कहानी का अन्य शीर्षक भी देना चाहेंगे, हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा, हामिद और दादी का प्यार, हामिद की सूझबूझ। इस तरह हम अनेक प्रकार के शीर्षक लिख सकते हैं। मित्रों, अभी हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। मित्रों, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें एक परिच्छेद दिया गया है जिसे हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया हुआ है वह अपनी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
या आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पीडीएफ फाइल जो है वह डाउनलोड करके रख देनी है, ताकि आप उसमें से आप देखकर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिव ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। पंडुक माने कबूतर। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में योगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। मित्रों, यहाँ पर हमें प्रश्न कुछ दिए हैं और वही प्रश्न का जो जवाब है, उत्तर जो है, वो हमें परिच्छेद में से ही मिल जाएगा। तो मित्रों, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो मित्रों, हम लोग जो देखा है कि महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिवि ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। मित्रों, अभी दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो उत्तर में आएगा, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। मित्रों, अभी तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। मित्रों, यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी, जिसको हम गुजराती में विरुद्धार्थी बोलते हैं या विरोधी बोलते हैं। हिंदी में इसे विलोम कहते हैं। पहला है आश्रित का अर्थ होगा अनाश्रित, विरोधी होगा। औन्नति का विरोधी होगा उन्नति। अभी है परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए तीन प्रश्न बनाइए। परिच्छेद जो हमें पैराग्राफ दिया गया हुआ है उसमें से ही हम अपनी सूझ से हमें जो भी कोई उचित लगे ऐसा कोई प्रश्न बनाना है। तो जैसे कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है, या यह भी लिख सकते, यह भी पूछ सकते हैं कि इतिहास और पुराणों में किस भावना की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है सभी धर्मों का मूल क्या है। फिर तीसरा भी यह कर सकते हैं परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, और इस परिच्छेद के अंत में किस सूत्र का नाम दिया गया हुआ है, वह है जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए मित्रों अभी हम लोग आगे देखते हैं। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर महाकाली का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। महाकाली का मंदिर के पास जो मेले में
बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं। पिछली बार हम भी हमारे अपने मित्रों के साथ गए थे। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा, छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी, मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौट आए। मित्रों, अभी आगे का प्रश्न है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो यहाँ पर भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ उस तरह से भी आप लिख सकते हो, आप अपनी सूझबूझ से भी लिख सकते हैं। यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूँगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है, चश्मा के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिर कर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी, इसलिए जब मैं मेले में गया तब मैंने यही सोचा कि यदि अच्छा बक्सा मिलेगा तो मैं अपनी दादी के लिए ज़रूर ले लूँगा और उनको दे दूँगा। सबसे पहले वही खरीदूँगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश हुई और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और गले लगा दिया। मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? बहुत ही आसान और सुंदर प्रश्न है मित्रों। तो इसका उत्तर में यह आएगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा प्रश्न है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो यह भी तो हमें पता है कि रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तीसरा प्रश्न। तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। मित्रों, अभी हमें देखना है, एक पेंसिल का निशान दिया गया हुआ है और उसमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए हमें बताया गया है। तो उसमें पहला शब्द है शीतल, इसका समानार्थी होगा ठंडा और विरोधी होगा उष्ण। दूसरा शब्द है प्रसन्न, उसका समानार्थी होगा खुश और विरोधी होगा खिन्न। तीसरा है गरीब, उसका समानार्थी होगा दीन और विरोधी होगा अमीर। चौथा है अंधकार, उसका समानार्थी होगा अंधेरा, विरोधी होगा प्रकाश। पांचवा है स्नेह, उसका समानार्थी होगा प्रेम और विरोधी होगा घृणा। छठा है पुरानी, समानार्थी होगा प्राचीन और विरुद्धार्थी होगा नई। मित्रों, अभी हमें देखना है मुहावरे, उसका वाक्य में भी हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बेड़ा पार लगाना, इसका अर्थ यह होता है, आप लिखना, हर एक बात को आपको लिखना है, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, इसलिए मात्र लिखना ही नहीं, सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको याद भी रखना है। तो बेड़ा पार होना, बेड़ा पार लगाना का अर्थ है संकट से बचाना। ईश्वर ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा है बाल बांका न होना, इसका अर्थ होता है जरा भी नुकसान न होना। वाक्य आएगा, अमरनाथ के रास्ते पर एक गंभीर अकस्मात हुआ पर किसी का बाल बांका न हुआ। तीसरा है छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना, इसका अर्थ होगा ना समझ बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। चौथा है दिल चिरना, बहुत दुख पहुँचना, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। मित्रों, तो यह हुआ मुहावरे। अभी यहाँ हमें एक कहानी की रूपरेखा दी गई हुई है। मित्रों, मैं आपको यह बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कहानी की रूपरेखा जो दी गई हुई है वह हमें नेट से ही मिल जाएगी। अगर आप YouTube में जा करके लिखोगे कि एक बेटा दो माँ,
या फिर दो माँ एक बेटे, तो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया हुआ है कि एक नगर में दो स्त्रियाँ एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी कहानी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, यह अकबर और बीरबल की कहानी के ऊपर से लिया गया हुआ किस्सा है। ठीक है।